वेलकम बैक ऑन 107.8 FM देशभक्त रेडियो। आपने सिटी लाइफ में हमारा साथ पूरा पूरा दिया हुआ है और साथ ही आ चुके हैं हमारे बीच डॉक्टर दीपक आचार्य जी। स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया। हम आपसे अक्सर बातें करते रहते हैं ग्रहों के बारे में, भाग्य के बारे में जी। और लेकिन आज मेरे जहन में एक सवाल आया है कि इंसान किस दिशा में जा रहा है जी। इंसान की दिशा परिवर्तन हो गई है। बिल्कुल। तो क्या भाग्य में इन दिशाओं का कोई महत्व है? देखिए, दिशाओं की जहाँ पे बात आती है वहाँ लोग डर जाते हैं। असल मैंने ये देखा, दिशाओं में ऐसा नहीं यार। देखिए, कुछ हमारे जो है दिमाग में ही ऐसी बातें बन गई हैं कि दिशा और दशा और दिशा, दिशा और दशा, मतलब ये थोड़ा ना होता है यार। देखिए, दिशाएं क्या होती हैं, पहले तो ये समझिए कि चार ही डायरेक्शन हम मानते हैं। नॉर्थ से शुरू करते हैं, कंपनी नॉर्थ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये शुरू कर लेते हैं हम। दिशाएं भाग्य में कैसे इफेक्ट करती हैं कि मान लीजिए किसी इंसान का भाग्य कहीं और था। देखिए, उसमें क्या है कि दिशा क्या है, आपकी क्वेरी ये है कि दिशा है क्या। दिशा है, चार ही दिशाएं मेनली बताई गई हैं आपको, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उन्हीं दिशाओं की अगर मैं बात करूं तो हर दिशा को कोई ना कोई ग्रह देख रहा है। ओके। कोई ना कोई, किसी ना किसी ग्रह को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई। जैसे मान लीजिए सूर्य पूर्व में उदय हुआ और पश्चिम में अस्त हो गया, तो एक दिशा से दूसरी दिशा में गया वो। अब दिशाओं को इतना डरा दिया गया आप लोगों को कि तेरी ये डायरेक्शन सही नहीं है। अब डायरेक्शन को ही गलत कर देते हैं ना हम, कि हम सही डायरेक्शन पे नहीं है, उत्तर में ये है, पूर्व में ये है, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखिए, वास्तु में भी इस चीज का बहुत यूज किया जाता है कि दिशा ये है, ये घर आपका पूर्व दिशा का होगा तो अच्छा होगा, दक्षिण दिशा का बुरा होगा। दिशाओं को मतलब न्यूट कर दिया गया। बेसिक क्वेश्चन की अगर मैं उत्तर दूं आपको, दिशा क्या है? देखिए, दिशा भौगोलिक स्थिति है बस। उसको आप वैसे मत लीजिए कि आपके ऊपर वो इतना बुरा प्रभाव डाल सकती है, ये कर सकती है, वो, ऐसा कुछ नहीं है। एक भौगोलिक परिस्थिति है। देखिए, हर कोई भी एक वर्ग है, कोई भी एक सर्कल है, उसमें डायरेक्शन तो बटी होंगी ना यार। बिल्कुल होती है, ठीक है। तो चार डायरेक्शन मेनली बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे कि हमारे भौगोलिक विज्ञान बताई है। अब आती है बात उत्तर दक्षिण की, उत्तर पूर्व की, पश्चिम उत्तर की, पश्चिम उत्तर की, पश्चिम दक्षिण की, ऐसे उन्होंने मतलब चार और सब पार्ट्स डिवाइड कर दिए, जो सेंटर पॉइंट्स डिवाइड कर दिए। तो चार और चार एट हो गई दिशा, और नौवां हो गया ब्रह्मस्थान, जो सेंटर पॉइंट, इसको ओरिजिन मानते हैं। तो ये नौ दिशाओं को ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि ये नौ दिशाएं हैं। शुरुआत करते हैं पूर्व से, फिर पूर्व दक्षिण, फिर दक्षिण, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर पश्चिम, फिर पश्चिम उत्तर, उत्तर, उत्तर पूर्व, और फिर से पूर्व, तो मध्य में आ गया इसके। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि जो ग्रहों से जोड़ने का, जोड़ने के लिए, क्योंकि हर चीज को एक बेस से जोड़ा गया है। हाँ जी, हर चीज को। तो दिशा है भौगोलिक स्थिति सिर्फ, ये उसको आगे जानेंगे कि दिशा कैसे इफेक्ट करती है आपकी लाइफ के ऊपर। मात्र एक भौगोलिक स्थिति है दिशा, तो उसमें आप ये मत सोचें कि आपका भाग्य इस दिशा में है, आपका भाग्य उस दिशा में है, आप ये दिशा में गलत हैं, आप इसने गलत किया, आपने मकान जो है दक्षिण मुखी लिया तो गलत किया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है दक्षिण मुखी मकान आपको फले यार। हो सकता है कि जहां आप जॉब लगे हैं, वो जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री का जो फेस है पूरा फेस है और आपको सूट नहीं कर रहा। तो ये चीजें बहुत सी मैटर करती हो। ओके। तो कई बार मेरे पापा ने भी मुझे बोला है कि मैं जब बेड पे लेटता हूँ तो वो कहते हैं कि उत्तर पूर्व की तरफ तेरा सिर होना चाहिए और दक्षिण पश्चिम की तरफ तुम्हारे। बड़ा सरल सा इस बात का उत्तर दे देता हूँ, ये बहुत साइंटिफिक अपने क्वेश्चन किया है, इससे लोगों को ज्यादा समझ आएगा उत्तर क्या है। देखिए, हमारा सिर जो है उत्तर है। हाँ जी। हमारे पांव जो है दक्षिण हो गए, रिवर्स हो गया, उत्तर दक्षिण। तो सिर है उत्तर। अब अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ से जोड़ के अगर मैं चलूंगा तो उत्तर को उत्तर से जोड़ने के बाद चीज दबेगी, क्योंकि जो सेम पोल्स हैं दे रिपेल ईच अदर। दक्षिण में आपके पांव, दक्षिण आपके पांव ऑलरेडी दक्षिण है और आपने दक्षिण में पांव कर लिए तो वो रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, है ना, तो रिपेलेशन हुई। नॉर्थ आपका सिर है और नॉर्थ डायरेक्शन में आपने सिर कर लिया तो आपको मतलब रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। तो वहां आप दबोगे, स्ट्रेस में थोड़ा सा आपकी नींद आएगी। अच्छा। अगर वही इसको रिवर्स कर देते हैं, आपके पांव उत्तर में कर दिए, आपके पांव उत्तर में कर दिए और सिर आपका दक्षिण में कर दिया, उससे आपकी बॉडी खिंच जाएगी, क्योंकि उत्तर को दक्षिण खींच लेगा, दक्षिण को उत्तर खींच लेगा, दोनों खींच लेंगे, आपकी बॉडी खुल जाएगी, खुल जाएगी। तो आपको बड़ा जो है बहुत ही आपको अच्छा महसूस होगा, बहुत फ्लेक्स होगा, फ्लेक्स फ्लेक्सिबल होंगे आप, बहुत रिलैक्स होगा आपको, तो ये अच्छा लगेगा। तो ऐसे वो डायरेक्शन मैटर करता है। हाँ, यूं तो कहीं जैसे वो होती है मैग्नेट होती है, तो अगर हम उसके प्लस 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 वाले हिस्से नॉर्थ और साउथ पोल को, हाँ जी, नॉर्थ नॉर्थ को मिलाएंगे तो धक्का धकेलेगा, धकेलेगा वो, साउथ और नॉर्थ को मिलाएंगे तो जोड़ देगा, बिल्कुल।
बहुत ही टेक्निकल से जी वे में हम ज्योतिष डॉक्टर आचार्य से पूछ रहे लोगों को बहुत मजा आने वाला है शो से। आप सही बात, बिल्कुल जानेंगे, लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सही बात है, और वैसे भी हम किसी और तरीके से और बहुत ज्यादा सीरियस वाला फैक्टर तो है नहीं कोई की बहुत सीरियसली बातें कर रहे हैं कि ऐसे वैसे। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि जो लोग ये शो सुन रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जाएं, सेव वैस्टो टाइप करें, हम मेरे फेसबुक पेज को, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको फ्री डिस्कशन, फ्री टिप्स दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो इतना सारा फ्री फंड था सामान चक्को जी हैं। खैर थोड़ी देर में फिर